हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द फर्दर पार्ट ऑफ द लास्ट टॉपिक द कंपनी आर्मी. नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड मेनी मोर थिंग्स दैट हाउ डिफरेंट इम्प्रूवमेंट एंड रिफॉर्मेशन जस्ट डन इन कंपनी आर्मी, राइट. इनिशियली वट एवर द सिस्टम्स ऑफ द cavalry and the infantry, right? Means later on it was seen that the importance of infantry made more important, right? Initially there was importance of the cavalry, but later on what happened, there was appointment of the peoples, right? And they will be trained, and after training they will be changed into a professional fighters. And you can say later on in company army the importance of infantry just became much more important. Apart from whatever different changes we just studied in last video, there were some other changes also been seen. They were just work on making them more systemized and more disciplined. It was general assumptions of during that time East India Company, that if the army will be more disciplined or systemized, they can get get victory very earlier, right? They can attack and a systemized fight will be done by them. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए, ऐसा assumptions था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कि जो आर्मी जितना ही डिसिप्लिन्ड होगा, जितना ही सिस्टमाइज्ड होगा, जितना ही यूनिफॉर्म्ड होगा, उतना ही बेहतर ढंग से रूलिंग बेहतर ढंग से फाइटिंग किया जा सकता है और वार को जीता जा सकता है. और अपने आर्मी के बदौलत ही और आर्मी के पावर पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इतनी टेरिटरी को जीता था. तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कि जैसे ही कि मतलब प्रोफेशनल आर्मीज के रूप में सिपोई के रूप में जो वर्क हुआ, उसके साथ साथ उनके आर्मीज को गोली बंदूक के मतलब एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में होने के साथ उनको गोली और बंदूक आदि भी दिया गया और गोली और बंदूक को यूज करना चालू कर दिया, और गोली बंदूक के यूज करने से वो और ज़्यादा डोमिनेंट हो गए. इसके साथ साथ जो अनदर जो चेंजिंग किया गया, अनदर चेंज इन द कंपनी आर्मी लॉज, मतलब आर्मी के नियम कानून में काफ़ी बदलाव किया गया. अब जो है पहले की तरह नहीं कि जिस समय वार होता था अवध में आदि में क्या बनारस आदि में, उस समय पीजेंट्स को हायर कर लिया जाता था और उन्हीं को वॉलेंट्री के रूप में लगाया जाता था. लेकिन अब आर्मी ब्रिटिशर्स ने अपना आर्मी इस तरह से बनाया जिसको कि वो अपने पास हमेशा रखता था और उसको एक प्रॉपर सैलरी और पेमेंट्स आदि प्रोवाइड करता था, ठीक है. मतलब इस तरह से एक जॉब के रूप में पूरी तरह से सिस्टमेटिक वे में डिसिप्लिन वे में आर्मी का उसने डिजाइनिंग किया. तो इसके साथ मतलब एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डिजाइन किया गया जिसके तहत सभी का एक जैसा ड्रेस हो, लुक वाइज एक जैसे, और जिससे कि उनके अंदर में कॉन्फिडेंस आए, यूनिफॉर्म उनके पास वेपन्स हो, ठीक है. तो ये सारे इम्प्रूवमेंट देखा जाए तो आर्मी के सेक्टर में किया गया जिससे कि बेहतर रिजल्ट आउटपुट आए. कहता है सोल्जर्स वेयर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन. जिस तरह से उस समय यूरोप के देशों में जैसे फ्रांस आदि में, ठीक है, जर्मनी आदि में देखा जाए जिस तरह से मतलब ड्रिलिंग किया जाता था, डिसिप्लिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, उसी तरह के डिसिप्लिन आदि का ट्रेनिंग और ड्रिल इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन मतलब जो आर्मी डिजाइन की जा रही थी, आर्मी ग्रो कराया जाता था, उनको किया जाता था. और एक बात और, इसमें अब इंडियन आर्मी को भी, इंडियन पीपल्स को भी आर्मी में ज्वाइन कराया जाता था जिससे कि कम पैसे में वो वर्क कर सके. इसके अलावा देखा जाए, ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स. अब जब ये यूनिफॉर्मिटी और नए नए रूल्स की जब बात आई, तो जो बहुत अलग अलग कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम ये सारे कम्युनिटी के जो मतलब बहुत सारे सिपोही थे, उन्होंने विरोध भी किया क्योंकि उनको रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसको टच करता था. उनको जैसे कि
हिंदू जो होते थे वो गाय को कभी काफी पवित्र मानते थे, मुसलमान जो थे वो मतलब क्या होता था पिग को, पिग के प्रति उनका ये एक रिलीजियस अटैचमेंट था, तो इस कारण से वो लोग काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी टच किया गया था, जिसके कारण विरोध भी हुई थी, लेकिन फिर भी उस ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्मिटी पे वर्क किया। हालांकि आप आगे देखोगे कि 1857 का जब रिवोल्ट होता है, एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है, तो उसमें एक जो है महत्वपूर्ण कारण, इम्पॉर्टेंट कॉज के रूप में ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स था। Often this created problems since caste and community feelings and were ignored in the building of force of professional soldiers. अगर देखा जाए तो professional soldiers के बनाने के दिशा में ये क्या था, एक बाधा था, एक obstacles था, ये religious sentiments. कहता है ये sentiments had a key positions, और इस key positions के कारण अभी हम बताएं कि उनको आगे face भी करना पड़ा। तो dear students, आप ओवरऑल देखिए कि ब्रिटिशर्स ने अपने आर्मी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। तो ये इम्प्रूव्ड आर्मी, इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बल पे वो टेरिटरी पर रूलिंग करना और टेरिटरी को आगे बढ़ाने के दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी डे बाय डे फास्टली ग्रो कर रहे थे। तो अब आगे अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से और ब्रिटिशर्स ने क्या चैलेंजेस फेस किया, और उसके साथ साथ चैप्टर की हमारी एंडिंग होगी, हम लोग एक कंक्लूड करेंगे। तो आई थिंक अगले 2 या 3 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जहाँ प्रॉब्लम हो बार बार आप हमसे इंटरेक्ट हो कीजिए और हमसे पूछिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड वी आर कमिंग वंस अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।